हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से PDF बना सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ना तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इन दोनों के बिना ही आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से अपनी किसी भी इमेज को, चाहे वो आपकी हो या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट की इमेज क्लिक करी हो, उसको आप कैसे PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो मोबाइल से PDF बनाने के लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट टाइप करनी है, smallpdf.com सर्च करना है और ये आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से खुल जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, PDF टू वर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं PDF को, JPG से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे JPG किसी भी इमेज को PDF में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ से चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसके साइड में एक एरो भी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके सामने कि फ्रॉम डिवाइस करना चाहते हैं, फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव से करना चाहते हैं, तो जहाँ भी आपकी फ़ाइल है वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं फ्रॉम डिवाइस से करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी मेरी फ़ाइल है वो मैं यहाँ पे पिक अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पर जो पिक है वो अपलोड हो रही है, थोड़ी सी बड़ा साइज़ है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो आप देख सकते हैं मेरी ये पिक यहाँ पर अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर ऊपर कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें सिंपली कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। और यहाँ पे लिखा भी आ गया कि ये इमेज जो है वो PDF में कन्वर्ट हो गई है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे कहीं भी सेव कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भी, गूगल ड्राइव में भी, ठीक है। इसको रोटेट भी कर सकते हैं PDF को, और इस PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं नीचे ये डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। मैं आपको ओपन भी करके दिखा दूंगा। तो आपकी ये एज ए PDF फाइल डाउनलोड हो गई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे ओपन भी करके दिखाता हूँ और बताता हूँ ये कहाँ मिलेगी। हम बैक आ जाएंगे और हमें जाना है फाइल मैनेजर के अंदर, माई फाइल्स जो होता है वो ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में हमें जाना है क्योंकि ये PDF फाइल बन गई है। तो यहाँ पर डाउनलोड करी है हमने अभी एक PDF, ठीक है। PDF का ये सिंबल होता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यही इमेज है जो हमने अभी डाउनलोड करी है जिसे PDF में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप converted.pdf लिख के आ रहा है, इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगी और इस तरीके से आप इजीली अपनी किसी भी फाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा और अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से मोबाइल से PDF बना सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।